हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस के बारे में, जहां आप कम मार्क्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी कट ऑफ लो रहती है। ठीक है, सभी एफिलेटेड कॉलेज की जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पेज से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले अपडेट और सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एफिलेटेड कॉलेज की जानकारी देते हैं। सब आपको बता दें, एफिलेटेड कॉलेज जैसे आपका CMP, ISDC, ADC, SS खन्ना, जगत तारण, ठीक है, ये सब एफिलेटेड कॉलेज हैं। मगर इनकी जो कट ऑफ होती है, चाहे हम UG की बात करें चाहे हम PG की बात करें, दोनों की इनकी कट ऑफ बहुत ही लो जाती है। ठीक है, तो आइए डिटेल में बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। सब इलाहा मेन कैंपस के बाद जो सेकेंड नंबर पर हम आप प्रेफरेंस देते हैं बच्चे, वो आता है CMP डिग्री कॉलेज। ठीक है, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर मेन कैंपस नहीं मिल पाता है तो वो सोचते हैं कि हमको CMP मिल जाए, क्योंकि CMP वन ऑफ द बेस्ट एफिलेटेड कॉलेज ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, CMP में की भी कट ऑफ, CMP की कट ऑफ मेन कैंपस के लगभग बराबर रहती है, इतनी भी लो नहीं रहती CMP की, बहुत ज़्यादा लो रहती है, क्योंकि CMP बेस्ट सेकंड नंबर पर है, तो इसकी भी थोड़ी हाई रहती है, इक्वल नहीं रहती मेन कैंपस से, थोड़ा बहुत एक दो मार्क्स का अंतर रहता है, लेकिन लगभग मेन कैंपस के रहती है। ठीक है, वहीं जब जिनको मेन कैंपस CMP भी नहीं मिल पाता, ठीक है, CMP की बात हो गई, और जिनको CMP नहीं मिल पाता वो लेते हैं ISDC में, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, दूसरे नंबर पर आता है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। इसकी भी कट ऑफ कम जाती है, SC कैटेगरी की, OBC, EWS कैटेगरी वाइज तो इसमें काफ़ी कम हो जाती है, चाहे UG कोर्स की आप बात करें चाहे PG की बात करें। ठीक है, दोनों हम आपके बात कर रहे हैं, UG कोर्सेज की बात कर रहे हैं, MSc MCOM, ठीक है, और साथ ही साथ PG की भी बात कर रहे हैं हम, UG की बात करें, BA, BSc, BCOM, BLLB, ठीक है, दोनों की UG PG दोनों की लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ISDC में ये है कि इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ये नहीं कि CMP थोड़ी हाई रहती है, लेकिन ISDC की कम हो जाती है। साथ ही साथ अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं ADC, ठीक है, गलती हो जाती है बीच बीच में बोलने में। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC, ठीक है, ADC की कट ऑफ काफ़ी हद तक लो रहती है। ठीक है, चाहे हम LLB की ले लें, चाहे MA, MSc, MCOM की ले लें, चाहे BA, BSc, BCOM की ले लें, ठीक है, ADC में BA, LLB नहीं है। ठीक है, BA, LLB आपका CMP में है, मेन कैंपस में है, और ISDC में है, वहीं LLB जो है LLB CMP में है, ADC में है और मेन कैंपस में। ठीक है, तो आपको बता दें इसकी जो कट ऑफ रहती है भी इन सब की भी ADC में भी काफ़ी हद तक लो रहती है, ADC भी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है। यहाँ पे भी अगर आपके कम मार्क्स हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में तो आपको एडमिशन मिल जाता है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में, क्योंकि इसकी भी कट ऑफ ADC की बहुत लो जाती है, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बहुत लो जाती है और जनरल की भी कट ऑफ लो ही जाती है, जिससे जिनके कम मार्क्स भी रहते हैं तो उनका भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, वहीं गर्ल्स कॉलेज में आपका वैसे SPM भी है आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज एफिलेटेड, वो फाफा माऊ में, इस SPM की कट ऑफ सबसे लो रहती है, मेन कैंपस CMP ISDC ADAC के सबसे कम कट ऑफ जो जाती है वो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज की जाती है, जो कि आपका फाफा माऊ में है। ठीक है, सबसे लो कट ऑफ इसी की जाती है, इसी एफिलेटेड कॉलेज की जाती है। वहीं गर्ल्स के भी दो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, आप देख लीजिए, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, SS खन्ना जो सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए नहीं है, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वहीं एक जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, CMP के पीछे ही है वो भी। ठीक है, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज दोनों गर्ल्स के लिए हैं, गर्ल्स की जो कट ऑफ रहती है बहुत ज़्यादा लो रहती है, जिन लोग को ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेज नहीं मिल पाते CMP ISDC ADC, क्योंकि ये दो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ते हैं, और जो जगत तारण है और SS खन्ना है सिर्फ गर्ल्स के लिए, तो इनकी जो गर्ल्स वाले कॉलेज की कट ऑफ होती है भी बहुत ज़्यादा लो हो रहती है, इनकी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो रहती है। ठीक है, साथ ही साथ एक और कॉलेज है ECC, ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जिसे लोग कहते हैं कि CMP सेकंड नंबर पे अच्छा नहीं है, ECC अच्छा है। तो ECC PG के लिए अपना अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन नहीं लेता PG का, लेकिन UG का, BA, BSc, BCOM, BLLB का वो एडमिशन लेता है CUT के थ्रू। ठीक है, जैसे CUT के स्कोर के अकॉर्डिंग ही उसको मैं एडमिशन होगा आपका ECC में भी। अगर आपको मेन कैंपस CMP के बाद कुछ BA, BSc, BCOM की बात करें तो अगर प्रेफरेंस देना है तो आप ECC को दे दीजिएगा, ECC भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, और बाकी PG के लिए तो हमने आपको कॉलेज बताया ही, आपके पास CMP है, ISDC है, ADC है, SPM है, गर्ल्स के लिए जगत तारण है, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, और वहीं BA, BSc, BCOM के लिए भी यही एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, मेन कैंपस के पास CMP, ISDC, ADC, जगत तारण और SS खन्ना गर्ल्स के लिए, अगर ECC को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं CUT वाले। ठीक है, तो ये सब आपके एफिलेटेड कॉलेजेस हो गए जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी रहेगी कमेंट बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।